देखिए दोस्तों, ये मशीन का जो पल्ला है ये कितना गंदा था। देखिए, अब इसको साफ़ करने का एक तरीका है। इसको मैंने निरमा का पानी खौला के उसके अंदर इसको डाल दिया है। अब ये थोड़ी देर 5 मिनट के लिए खोलेगा, खोलते हुए पानी में डाल दिया है इसको। 5 मिनट तक इसको खोलाएंगे और खोलाने के बाद में इसको जो है हम ब्रश से रगड़ेंगे, साफ़ करेंगे, जिससे कि ये जितना भी ये इसमें पीला पीला जो भी दिखाई दे रहा है वो सारा साफ़ हो जाएगा। काफ़ी सालों से इसको साफ़ नहीं किया गया है, तो इसके लिए अब हम कोशिश करेंगे इसको साफ़ करने की। तो देखते हैं दोस्तों। आपने देखा दोस्तों, ये देखिए कितना साफ़ निकल रहा है। ये निरमा का पानी खोला के उसको 5 मिनट तक उसके अंदर रखा और ये देखिए दोस्तों कितना अच्छी तरीके से चमकने लगा है। सारा पीलापन इसका निकल गया है। अब थोड़ा जो किनारों पे या अंदर की तरफ ये रह गया है, इसको हम ये टूथब्रश से, जो मंजन वाला ब्रश होता है, उससे हम साफ़ करने की कोशिश करेंगे। ऐसा साफ़ हो गया है, ये लग रहा है कि जैसे ये नया ख़रीद के लाए हैं। अभी देखिए बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया, एकदम साफ़ जगमगाता हुआ, चमचमाता हुआ। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं। इस तरीके से स्टील कितनी अच्छी साफ़ हो गई है। ये सारी चीज़ें भी दोस्तों हम इसी के अंदर डाल देंगे जिससे कि ये भी साफ़ हो जाए। तो इसको भी डाल के पानी में खौलाएंगे, निरमा के पानी में। चलिए इसको भी साफ़ करके देखते हैं। देखिए दोस्तों कितना साफ निकला है, एकदम चमचमाता हुआ। इसी तरीके से इसको देखिए, देखिए दोस्तों पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया है। तो निरमा के पानी में धोने के बाद में, गर्म पानी से जब इसको हमने साफ़ कर दिया है, इसके बाद में एक बार इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको धूप में सुखा लेंगे, जिससे कि इसमें दोबारा जंग लगने की गुंजाइश ना रहे।